विद सिमरन। आज हम लोग सोशल साइंस स्टडी करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई बोर्ड क्लास 4 सोशल स्टडीज द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स। आज हम लोग द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स पार्ट 1। आज हम लोग नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। प्लेन, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन क्या होता है। अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। ये हमारी डेफिनेशन है। द प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड फर्स्ट वन द नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकेंड वन द कोस्टल प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। The northern plains lie towards the south of the Himalayas. Friends, आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर एक लगाई है, वो मैप है, वो आप देख सकते हैं, जो ब्लू ब्लू है वो हिमालय रेंज है और जो ग्रीन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो जो ब्लू है वो साउथ नॉर्थ में है और जो ग्रीन है वो साउथ में है। ओके फ्रेंड्स, दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम। मैनी रिवर्स विच originate in the Himalayas flow through the northern plains. These rivers carry water throughout the year. These rivers also bring with them broken pieces of rock, sand and silt. Friends, आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें ये सिल्ट है। The fine silt deposited by the river is called alluvium. ये हमारी definition है। It is fertile and very good for crops. Sixth point, the area watered by a river and its tributary is called its basin. ये हमारी basin की definition है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें ये मेन रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। सेवेंथ पॉइंट, द थ्री रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी हैव फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। दे आर, कुछ थ्री रिवर्स हैं जिन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया है, वो हैं सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप लगाया है, उसमें ये सतलुज है, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। द सतलुज रिवर बेसिन, अब हम पढ़ेंगे सतलुज रिवर के बारे में। रिवर सतलुज ओरिजिनेट इन टिब्बेट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप लगाया है, उसमें ये टिब्बेट है। बीज इज इट मेन ट्रिब्यूटरी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैप में, ये टिब्बेट, ये बीज है। पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन। द हाफरा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दो पिक्चर्स लगाई हैं, वो भाखरा डैम है। द रिवर गंगा बेसलाइन, अब हम पढ़ेंगे द रिवर गंगा के बारे में। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें ये गंगोत्री ग्लेशियर है और वो गंगा ओरिजिनेट कर रहा है। यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप लगाया है, उसमें ये यमुना है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट इंटू टू ब्रांचेस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप लगाया है, इसमें ये टू ब्रांचेस हैं। वन ब्रांच इंटर्स बांग्लादेश एंड इट इज कॉल्ड
पद्मा, इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैप है उसमें एक एक ब्रांच जो है वो पद्मा में जा रही है और पद्मा ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रहा है। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली। जो दूसरा पार्ट है वो हुगली है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड टी सैंग पो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक मैप लगाया है उसमें ये टी सैंग पो है। इट इंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इंटू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सुंदरबन डेल्टा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये सुंदरबन डेल्टा है। लाइक इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। फर्स्ट पॉइंट पंजाब हरियाणा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। पीपल ग्रो राइस वीट एंड शुगर। वहाँ पे बहुत लोग राइस वीट एंड शुगर केन उगाते हैं। पंजाब, अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। वैसे फ्रेंड्स ये इंडिया का मैप है और ये रेड पॉइंट जो है ये पंजाब है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट द फार्मर्स ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स। पीपल आर फॉन्ड ऑफ मक्के की रोटी सरसों का साग एंड लस्सी। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मक्के की रोटी सरसों का साग और लस्सी पसंद है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है, देखिए ये मक्के की रोटी होती है, सरसों का साग और ये लस्सी होता है। दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी। वहाँ पे बैसाखी और लोहरी बनाते हैं वो लोग। फ्रेंड्स मैंने एक पिक्चर लगाई है इसमें ये सब ऐसे बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांसेस। मैनी टूरिस्ट विजिट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो पंजाब में गोल्डन टेम्पल घूमने जाते हैं। अब देखिए मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये गोल्डन टेम्पल है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है अमृतसर पंजाब में। ओके फ्रेंड्स, हरियाणा, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और उसमें ये हरियाणा है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट लाइक द फार्मर्स ऑफ पंजाब द फार्मर्स ऑफ हरियाणा आल्सो यूज मॉडर्न मशीन्स फॉर फार्मिंग। हमने जैसे पढ़ा था पंजाब के जो फार्मर्स होते हैं वो मॉडर्न मशीन इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग करने के लिए, वैसे ही हरियाणा के भी जो फार्मर्स होते हैं वो भी मॉडर्न मशीन इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट मैनी पीपल आर एंगेज इन कैटल रियरिंग एंड डेली फार्मिंग। फिरादाबाद एंड गुड़गांव हैव मैनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। फर्स्ट पॉइंट Most people here work in offices. Many of them have business. Delhi has many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid, Lotus Temple and Akshardham Temple. Tourists from all over the world come to see These monuments. Okay, friends. Friends, अब मैं आपको बताऊंगी हुमायूं टोम्ब को हम क्यों बिल्ड हुआ था। मैंने लिखा भी है, देखिए हुमायूं टोम्ब
was built in the memory of the Mughal Emperor Humayun. Okay, friends? Uttar Pradesh. अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और उसमें ये उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है. फर्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गुआवास एंड मैंगो. आप देख सकते हैं ये मैंने टू पिक्चर्स लाए हैं, उसमें ये मैंगो है और ये गुआवा है. देयर आर मैनी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. The chicken curry embroidery of Lucknow, silk sari of Varanasi and blouse wear of Muradabad are popular all over the world. Fourth point, the Kumbh Mela is held every 12 years in Allahabad. Friends, आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये कुंभ मेला का पिक्चर है. आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटी ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड. बिहार. अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और उसमें ये बिहार है. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, बिहार इज फेमस फॉर लीचीज. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर लगाई है लीची की. भागलपुर इज अ सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग. लिट्टी चौका एंड सत्तू पराठा आर मोस्ट पॉपुलर डिशेस. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सत्तू पराठा होता है और ये लिट्टी चौका होता है. मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी. बहुत सारे लोग हैं जो मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं. छठ इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल. वहाँ पे ऐसे लोग छठ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. वेस्ट बंगाल. अब हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और उसमें ये वेस्ट बंगाल है. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. दार्जिलिंग हैज मेनी टी गार्डन. जूट मिल्स are located along both banks of the river Hooghly. Fishing is an important occupation in the coastal region. Friends, आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये फिशिंग है. ओके फ्रेंड्स, पीपल स्पीक बांग्ला. वहाँ पे लोग बांग्ला बोलते हैं. दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल. वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है. ओके फ्रेंड्स, असम. अब हम पढ़ेंगे असम के बारे में. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और उसमें ये असम है और असम का कैपिटल दिसपुर है. फर्स्ट पॉइंट, असम इज फेमस फॉर टी एंड सिल्क. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं, ये टी है और ये सिल्क है. Petroleum and natural gas are found in Digboi. Many women wear mekhla, chador and blouse. आप देख सकते हैं, this is the costume of Assam. Most people speak Assami. They celebrate Bihu. आप देख सकते हैं, ऐसे लोग Bihu celebrate करते हैं. Friends, आज के लिए बस इतना ही. मैं अपने पार्ट टू में आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ाऊंगी और आज जो मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में समझाया है उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.